रुक जाएं क्या सर? चलो ठीक है सर। तो कहीं से भी बच के जाने की कोई गुंजाइश नहीं है भाई, जहां भी जगह मिलेगी ना भाई रोक रोक करके चेक किया जाएगा। गाड़ी जिसे आगे से निकली ना, ट्रैक्टर वाले ने ऐसे ब्रेक लगाया, वहां से फिसल के यहां आगे तक आ गई। यही तो पत्थर है भाई जो ऊपर से बैलेंस अपनी खो करके गिर जाती है। आगे फिर से चेकिंग हमें मिल गया, देखते हैं रोकते या नहीं रोकते। अबे बाप भाई, देख रहे हो इस पहाड़ को भयंकर, ये कभी भी स्लाइड होकर गिर सकता है। सर जी कोई दिक्कत है क्या? ओके सर जी, इस बार यार मिस्टर ओला के साथ जो प्लान था वो छूट गया, बंदे का कुछ काम आ गया। इस बार हम जा रहे हैं अपने सब्सक्राइबर के साथ, बात बात हो ली थी, वो आ चुके हैं, वो बस हमारे पुलिस स्टेशन के आगे खड़े हैं। वैसे तो प्लान सिर्फ अकेला का था सोलो जाने का, जैसे मिस्टर ओला ने कंफर्म कर दी थी कि नहीं जाएगा बोल करके, उसके बाद मैंने प्लान कर लिया था कि भाई अकेले जाऊंगा। फिर सब्सक्राइबर भाई ने कॉल कर लिया, उसके बाद अभी प्लान बन चुके उन्हीं के पास, वो बस आगे खड़े हैं, बस उनसे मिलते हैं एंड देन रफू चक्कर। वेल तो अपना राइडर दोस्त हमें मिल चुका है पीछे, आप ग्लास में देख पा रहे हो नहीं पा रहे पता नहीं, वो पीछे से आ रहा है। तो हम अभी मिल चुके हैं और अपना जर्नी जो है ना ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अभी हम निकल रहे हैं, पहले जाएंगे लिक्का वाली, वहां जाके हमें पास बनाना है, उसके बाद ही हम एंटर करेंगे अरुणाचल प्रदेश में। मेनली जर्नी अरुणाचल प्रदेश से मैं दिखाने वाला हूँ। और ये तो हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा सिलावथर टाउन, जो कि आपने काफी बार मेरे वीडियो में देखा हुआ है। तो अभी क्या करते हैं ना, अपन सीधा जाकर के लिक्का वाली से पहले गेट पास बनाते हैं, उसके बाद जर्नी शुरू करते हैं वहां से। वेल गाइज, अपना पास फाइनली बन चुका है, मतलब जहाँ पास बना रहा था ना वहाँ काफी ज्यादा लोग थे, तो मैंने वीडियो ऐसे नॉर्मली किया नहीं। आपको पास बनाना है तो लिक्का वाली का जो पहला पेट्रोल पंप आता है राइट साइड का, उसको क्रॉस करके टर्निंग में एक लिखा हुआ है बोर्ड पर कि टूरिस्ट परमिट डन हेयर बोल करके, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में रुकते हैं और यहाँ से भरते हैं पेट्रोल। वैसे लिक्का वाली में सस्ता पेट्रोल यहीं मिलता है बोल करके बोलते तो सब है। तो अभी भैया भरते हैं पेट्रोल, चलो। वेल तो पेट्रोल भरना हो चुका है, तो हमने भर ली यहाँ से 390 की पेट्रोल, ज़्यादा नहीं क्योंकि XP95 ही भराना है मुझे। अगर मैं कहीं से भी भरता हूँ ना, तो आप सबको भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप पेट्रोल भर रहे हो कहीं से तो XP95 ही भरना, काफ़ी अच्छा पेट्रोल है और अच्छा माइलेज भी निकाल के देता है। वैसे जहाँ से मैंने पेट्रोल भरा ना, मैंने कहा था ना लिक्का वाली का सबसे सस्ता पेट्रोल पंप है, यहाँ पता है पेट्रोल की प्राइस कितनी थी? 91 point something, कुछ 27 पैसे था। इतना सस्ता पेट्रोल मिलता है भैया अरुणाचल प्रदेश में, मे बी इंडिया के बहुत सारे स्टेट से तो सस्ता ही होता होगा। तो यहाँ होती है भैया चेकिंग, जहाँ आपको आपके लगेजेस दिखाने होते हैं। अब देखते हैं क्या क्या चेक करते हैं भाई साहब। बोलिए सर जी। कहाँ से है भाई साहब? पीछे थी चेकिंग, ये आप मिरर में थोड़ा बहुत देख पा रहे हो, तो कैमरा वैमरा बंद करने को बोला। CRPF के जवान थे यार, बहुत अच्छे से पेश आए, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो क्या जा रहे हो, राइडर बन के निकले हो भैया क्या, मतलब वो मतलब देख के ना शौक हो गया कि भाई ऐसे मौसम पर तुम राइड में निकल रहे हो, चौंक गए पहली बार। तो उसके बाद पूछते हैं कि यार कैश वगैरह है क्या, मतलब 40-50 हज़ार तो कैश लेके नहीं जा रहे हो? फिर हमने पर्स खोल के दिखा दिया कि नहीं सर, हमारे पास पड़ा है तो सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम सर 10-12 हज़ार पड़ा होगा, वही लेकर के सर हम 2-3 दिन के टूर पर जा रहे, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बैग चेक करते हैं, हमने बोला कि सर बेशक आप चेक कर सकते हो। तो फिर उन्होंने मतलब बैग वेग चेक किया और सब कुछ देख करके फिर जाओ बताया। आखिर में ये भी कहा कि भाई ड्यूटी है, देखो यार यहाँ अगर तुम्हें छोड़ भी देते ना तो आगे 4 से 5 जगह और हमें मिलने वाला है जहाँ हेवी चेकिंग हो रही है, तो कहीं से भी बच के जाने की कोई गुंजाइश नहीं है भाई, जहाँ भी जगह मिलेगी ना भाई रोक रोक करके चेक किया जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में ना अभी इलेक्शन की टाइम है, इलेक्शन ड्यूटी चल रही है इन सब की, तो इसीलिए मतलब चेकिंग हो रही है इनकी। लो जी हम पहुंच चुके हैं आकाशी गंगा, जरा रुकते हैं और एक हॉर्न भगवान के लिए बजा देते हैं यार। अब आकाशी गंगा के बारे में बहुत बड़ा इतिहास है, बस आप इतना समझ लो कि श्री कृष्ण जी जब रुक्मिणी जी को मतलब लेके आए थे ना, ऊपर मालिनी मंदिर है तो रुक्मिणी जी को वहां बिठाए थे, और रुक्मिणी जब स्नान करने के लिए यही नीचे मतलब एक नीचे मतलब गंगा बह के जाते जिसको आकाशी गंगा कहते हैं, तो ये उसी लिए फेमस है। और मकर संक्रांति के दिन स्पेशली यहाँ बहुत सारे भक्तगण जो है ना स्नान के लिए आते हैं। तो ये आपको दिखा दिया, अगर आप है हो मतलब भक्ति मार्ग में चलते हो, अगर आपने ये सोच के रखा कि भाई तीर्थ जाना है, तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे तीर्थ के धाम हैं, उनमें से एक लिक्का वाली में अवस्थित आकाशी गंगा है, पहले यहाँ स्नान करना है अगर आप मकर संक्रांति के टाइम आते हो, उसके बाद आपको जाना है मालिनी मंदिर। तो बस ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना था दीदिया, बाकी चलते हैं।
लुक एट द व्यू गाइस, क्या अल्टीमेट लेवल की व्यू आ रही है। बादल जो है ना पहाड़ में छा करके पहाड़ एकदम डार्क सी हो गई है। ऐसी जगह पर ना स्पेशली मैं बार बार मतलब कहते रहता हूँ वीडियो पर, वो चीज मेरे पास नहीं है जिसको ड्रोन कहते हैं यार। अगर मेरे पास अभी ड्रोन होती ना कसम से यार मैं इतने मस्त मस्त चीज आपको दिखा सकता, आपको इतने मस्त मस्त जगह दिखाता, इतने बढ़िया बढ़िया लोकेशन में मैं ड्रोन उड़ाता ना, कसम कह रहा हूँ गाइज आपका जी ललचा जाता। अरुणाचल प्रदेश में ना भाई ऐसे ऐसे जगह है ना, कसम बता रहा हूँ। रोड के साथ तो नजारे आप देख ही रहे हो, अगर उसको आप ड्रोन की आंखों से देखते हो तो वो और भी ज्यादा निखर के आते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेंगे लेंगे, हम भी जरूर लेंगे एक ना एक दिन ना। बस आप इसी तरह प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो। यात्रम आपका भाई यात्रम जरूर एक दिन लेगा ड्रोन। यही तो पत्थर है भाई जो ऊपर से बैलेंस अपनी खो करके गिर जाती है, और मेचुका में कुछ इसी तरीके के पहाड़ होंगे शायद। हाई चढ़ाई है भयंकर, और रोड भयंकर चढ़ के ऊपर से गई है भाई साहब। ये भाई मिला हमें राइट टर्न, यहाँ से फिर रोड चली है ऊपर की ओर खड़ी एकदम भाई भाई साहब 50 से 60 डिग्री ऑफ है चढ़ाई पूरी भयंकर। पहाड़ की कलर देखो भयंकर, एकदम लाल लाल सी वो ईट होती है ना हमारी मिट्टी की ईट, एकदम से भाई सेम वो इसी कलर की है। और यहाँ से ना आगे भी कुछ दिख रहा है मुझे, कोई टाउन कोई विलेज कुछ तो है ऊपर, तो कुछ तो भाई वो आगे दिख तो रहा है, शायद वही होता होगा ईगो। वेल गाइज नया ब्रिज ऊपर से जाने नहीं दे रहे, और नीचे से कोई सी तो रिवर बह के जा रही है पता नहीं, ओके जो भी रिवर है यार थोड़ी बहुत ना मैली होगी है, शायद बारिश गिर रही होगी ऊपर कहीं पे। आगे फिर से एक चेकिंग हमें मिल गया है, देखते हैं रोकते हैं या नहीं रोकते। तो जैसे कि भाई आपने देखा सीआरपीएफ और अरुणाचल पुलिस वाले थे जो चेक कर रहे थे कि भाई कोई पैसा देके तो नहीं भेज रहा है, इलेक्शन का टाइम है, मतलब पैसा कोई देकर के हेरा फेरी कर रहा है लेन देन कर रहा है उसके लिए चेक कर रहे थे वो। बाकी यार चेकिंग काफी तगड़ी चल रही है जगह जगह पर, हर 15 से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर बाद एक एक जगह पर ना चेक हो रही है यहाँ पर। तो आप अगर बासार जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो तो आपको पहले तो यार मस्ट ILP दिखाना जरूरी है, उसके बाद वो आपके बाकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हैं। हमारा अभी तक चेक नहीं किया उन्होंने, बाकी गाड़ी का ऑल डॉक्यूमेंट्स ओके है, अगर वो मांगते भी हमें दिखा सकता, और उसके बाद वो आपके बैग वेग पर्स वर्स सब कुछ चेक करेंगे कि आप बड़ा अमाउंट तो लेकर के कहीं जा नहीं रहे हो ना, 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख पैसों से इलेक्शन के टाइम में क्या क्या हो सकता है आपको अच्छी तरीके से पता है, तो इसीलिए वो चेक कर रहे हैं जगह जगह पर रोक करके। वेल कोई सा तो एक जगह पहुंच चुके, पता नहीं एग्जैक्टली छोटा सा जगह है, नाम भी कहीं पर बोर्ड वोर्ड में लिखा हुआ नहीं है, एग्जैक्टली बताना कौन से जगह पर पहुंच चुका। काफी सुंदर प्यारा सा जगह है, और लोगों के घर भी ना काफी क्यूट क्यूट से बने हुए हैं, वुडन और बैम्बू के घर भाई, इतने प्यारे प्यारे बनते हैं ना यहाँ पर भाई, क्या कहने यार घर तो घर बने हुए यार। बाप रे बाप भाई देख रहे हो इस पहाड़ को भयंकर, ये कभी भी स्लाइड होकर गिर सकता है। पिछले काफी टाइम से ना मेरे को ये पत्थर वाले पहाड़ मिल रहे हैं अभी, और मैं ऊपर ऊपर देख रहा हूँ कहीं ऊपर तो कुछ हलचल नहीं है। अब जैसे कि भाई ये देख रहे हो ना पत्थर कैसे बिखरे हुए हैं, अब ये पता नहीं यार क्या ऊपर से गिरे हुए हैं या फिर किसी ट्रक ने ले जाते हुए गिराया है, पता नहीं होते बोल नहीं सकते, बट भाई पहाड़ों को देख करके ना थोड़ी सी डर सी लग रही है। कल अपन को निकलना है मेचुका, और मेचुका के पहाड़ भी कुछ इसी तरीके के हैं, तो मंजर तो काफी डरावना बनता हुआ दिख रहा है, बट यार कोई बात नहीं, अब इतने लोग जब जा रहे हैं तो भाई हम भी तो जा सकते हैं ना, तो डरना वरना नहीं है। और बासार यहाँ से 12 किलोमीटर ओनली 12 किलोमीटर का ही, तो बासार में हमारी एंट्री हो चुकी है, ये रहा वेलकम गेट, वेलकम टू बासार। बासार में ऑफिशियली एंट्री तो हमने कर ली है, अब बासार से हमें आलो जाना है, और बासार से भी करीब करीब आलो 40-45 किलोमीटर दूर है, और कल आलो से हमारा एग्जैक्ट जो जर्नी है ना वो शुरू होगा। और बासार भी काफी सुंदर लग रहा है यहाँ से ना, आगे से पूरे पहाड़ जो है ना कितने प्यारे ग्रीन हो चुके, बारिश गिर करके ना पहाड़ पूरी ग्रीन हो चुकी है, एकदम से ना ब्यूटीफुल हो गया। ड्रोन होता ना तो ड्रोन उड़ा करके अभी आपको पूरा नजारा मैं दिखा सकता, पूरा बासार टाउन आप देख पाते, दिखने में तो बासार टाउन बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, ड्रोन होता तो और अच्छे से आपको दिखा।
दिखा पाते हैं। इन फ्यूचर जब हम लेंगे ना, उसके बाद जहाँ भी जाएंगे हम घूमने के लिए, ड्रोन उड़ा करके मस्त वाले नज़ारे आपको सारे दिखाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के ना छोटे छोटे जितने भी जगह हैं, जितने भी छोटे छोटे प्लेसेस हैं, सारे बढ़ के अभी बड़े बड़े से हो रहे हैं। आज से कुछ साल पहले जब मैं आया था तो ये टाउन ऐसा बिल्कुल नहीं था यार। अभी भाई क्या बताऊँ यार, अभी टोटल ना बदल चुका है, एग्जैक्टली सब कुछ चेंज हो चुका है। तो यहाँ थोड़ा सा पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आलो जाने वाला रास्ता कौन सा है। यहीं कहीं रोक करके ना चेक करते हैं भैया, गूगल मैप देखना पड़ेगा कि आलो जाने का एग्जैक्ट रास्ता कौन सा है। भाई गाड़ी जैसे आगे से निकली ना, ट्रैक्टर वाले ने ऐसे ब्रेक लगे, वहां से फिसल के यहाँ आगे तक आ गई। मतलब ये गाड़ी वाला निकलना चाह रहा था, ट्रैक्टर भी तभी सडनली आ गई भयंकर। मतलब देख रहा हूँ ना कैसे फिसल के आ गई, मैं डर के पीछे देखने लग गया कि भाई हो क्या रहा है। बाकी रुके अभी बाजार में, अब आगे जाकर के हम एक अच्छी जगह पर रुकेंगे ना, थोड़ा पानी वानी पी लेंगे, किसी एक शॉप से कुछ खरीदना भी पड़ेगा, थोड़ा फ्रूट वगैरह, थोड़ा जूस वूस ठंडा वंडा कुछ खरीद लें, थोड़ा पियेंगे, उसके बाद आराम से आलो पहुंचेंगे। आलो पहुंच के ही हम खाना खाएंगे ऐसा हमने सोचा है। बाकी ज्यादा देर नहीं करते और निकलते बाजार से। चलो चलो यहीं से खरीद लेते हैं कुछ, ये एक शॉप मिला है, खरीद क्या लेते हैं, इनफेक्ट यहीं रुक करके कुछ खा लेते हैं। चलो तो गाइस जो खाना था हमने खा लिया, बाकी सीधा लंच। लंच का टाइम तो वैसे हमने मिस ही कर दिया क्योंकि अभी भाई यहाँ पर डेढ़ ही बज चुके हैं। बाकी आलो पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, करीब करीब आप मान के चलो और डेढ़ से दो घंटा अगर हम कॉन्स्टेंटली नहीं रुक कर भी जाते हैं तो। बाकी आंटी के शॉप पर रुके थे और आंटी काफ़ी अच्छी तरीके से बिहेव कर रही थी, बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोग ना टूरिस्ट को अप्रिशिएट करते हैं। पूछा कि कहाँ से आए, घूमने जा रहे हो क्या, थोड़ा मतलब हंस खुल करके बोल रही थी। अच्छा लगता है अगर ऐसे लोग मिलते हैं ना, क्योंकि हम इतने दूर से ट्रैवल करके आते हैं, अगर लोग हमसे प्यार से दो मिनट भी बात करते हैं तो भाई बहुत होती है। किसी भी इंसान के साथ ना अच्छी तरीके से जब आप बिहेव करते हो ना, तो इंसान कितना भी बुरा हो, कितना भी एग्रेसिव क्यों ना हो, वो आपके साथ कभी भी भाई गुस्से से पेश नहीं आएगा, आराम से ही पेश आएगा। तो ट्राई कीजिए जितना हो सके अच्छे से पेश आने की। ओके गाइस, ये रहा बाम विलेज। तो हम पहुंच चुके बाम विलेज, नाइस, सच अ नाइस प्लेस मैन, अच्छी। और घर लोगों के देखो ना भयंकर, मतलब इतने प्यारे ना वुडन घर, मतलब काठ से बने हुए इतने प्यारे प्यारे घर है, काठ और बांस से बने हुए, कितना ही सही लग रहा है यार, कितना ही सही लग रहा है भयंकर, मजा सा आ रहा है मेरे को तो लोगों के घर देख करके। एकदम ना रोड के बगल में ही घर है लोगों के, ये देखो एक भी काठ से बना हुआ, कितना प्यारा लग रहा है। चलो भैया आगे एक और जगह पर चेक है, देखते हैं अगर रोकते हैं तो बिल्कुल से रोक देंगे। रुक जाएं क्या सर? चलो ठीक है सर। तो भैया बाम पर भी चेकिंग है भयंकर, तगड़ी वाली चेकिंग है। वैसे बाम्पर पर जो ऑफिसर थे उन्होंने रोक करके पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है, तो क्यूरियोसिटी होती है ना भाई एक, मतलब कहाँ जा रहा है बंदा, क्या कर रहा है, एक राइडर को देख करके वो एक अंदर होती है ना भैया, मतलब राइड कर रहे हैं कुछ तो, मतलब पूछने को मन कर गया उनको, तो उन्होंने मतलब पूछ लिया था, मतलब पहले बुलाया ऐसे, मतलब कोई थे बड़े ऑफिसर पता नहीं, तो उन्होंने पूछा। बाकी अच्छा लगा यार, बस एक ऑफिसर जो था ना थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा था, बोला था बैग खोलो निकालो, मतलब दिखाओ। अरे ऐसे नहीं बोलना यार, टूरिस्ट है, थोड़ा मतलब प्यार से बात करो यार, मतलब बताओ यार क्या है अंदर क्या नहीं है, आराम से पूछो। बाकी बहुत नरमी से पेश आ रहे थे, बस एक जो बंदा था वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से पेश आ रहा था। खैर होते हैं लोग किस्म किस्म के, अब क्या ही कर सकते हैं ना। और यहाँ थोड़ा सा रास्ता ख़राब होता दिख रहा है मेरे को, खराब नहीं पूरा ही खराब है भयंकर, पूरा पानी है अंदर, पूरा पानी से भरा हुआ रास्ता। ए भाई भीज गया पूरा जूता, क्या रास्ता है बाम का बे, सबसे खराब तो बाम का रास्ता है भयंकर, देख रहे हो ना भाई रास्ता, एकदम दीतेन विलेज वाला रास्ता लग रहा है मेरे को। अब यहां से है डिवाइड रास्ता, चलो आपको यहाँ से समझा देता हूँ मैं। अगर आपको दापोरिजो मारो जीरो तिरबिन जाना है तो आप सीधा जाओगे, अगर आपको आलो जाना है देन दिस वे, तो ये जो रास्ता है ये जाएगा आलो, दिस वे ब्रो। अब निकलते फाइनली आलो के लिए यहाँ से।
चलो अब रुकना नहीं है बॉस, अब दबा के जा रहे हैं, हालो पहुंचना है पहले। अंगू, तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अभी अंगू विलेज, और अंगू विलेज के जितने भी घर हैं सारे ऊपर बने हुए हैं, रास्ते में कुछ भी नहीं है भाई, तो ये एक बहुत अच्छा लगा। अंगू विलेज इस रास्ते से भी जा सकते हो। ओके चलो, पहला थम्स अप मुझे मिला किसी एक बच्चे ने मुझे दिया, अच्छा लगा। वैसे क्या होता है ना, जो मेल कैरेक्टर जो भी होते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जैसे मुझे बामे में एक सर ने रोका था, कोई बड़े अफसर थे वो, तो यार मतलब बहुत इंटरेस्टेड होकर के उन्होंने पूछा, जैसे उन्होंने बुलाया। सिमिलरली यहाँ भी बच्चा ने बिग थम्स अप दिया मेरे को, उन्हें भी अच्छा लगता है, क्योंकि राइड करना किसको नहीं पसंद, पहले आप कहो। मतलब राइड जो है, ये जो करना है अंदर से, ये जो हिम्मत आ जाती है इतने बुरे रास्ते पर, इतने लैंडस्लाइड जोन को क्रॉस करके, खराब रास्तों में चला करके, ये जो मजा हम लेते हैं, ये मतलब उन्हीं को आता है जिनको राइड से प्यार होता है। यामको, ओके गाइस, यामको बोल के लिखा हुआ था बोर्ड में, और यामको बोर्ड के बाद ही रास्ता खराब है। खराब मीन्स चलाया जा सकता है, कल जहाँ जा रहे हैं उसके मुकाबले तो ये रास्ता स्वर्ग है भाई। कल आपको दिखाऊंगा मैं भाई कैसे रास्ते से होकर के जाऊंगा मैं। सर जी कोई दिक्कत है क्या? ओके सर जी, कृष्ण मिशन आलो, अच्छा तो आलो का रामकृष्ण मिशन हम पहुंच चुके हैं। ब्रो दिस वे, ये मेचुका जाता है, तो कल इसी रास्ते से जाना है हम लोग को। कल वाला रास्ता देख लिया, तो अभी फिलहाल के लिए जा रहे हैं हम आलो टाउन। चलो आलो टाउन जाते हैं पहले, आलो टाउन जाने के बाद होटल ढूंढना है, और पेट्रोल पंप कल सुबह पता नहीं कितने बजे खुलेगा, आज मैं भर के ही जाता हूँ, अभी भर ही लेता हूँ मैं, पहले पेट्रोल भर लेते हैं उसके बाद आपसे सीधा मिल रहा है होटल में जा करके। अच्छा तो आप सबको बता दूं कि मैं पहुंच चुका आलो, बहुत जल्दी पहुंच गया था, करीब 2:30 बजे पहुंच गया था। बट दिक्कत क्या हुआ ना कि यहाँ इलेक्शन की वजह से ना रूम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, बिल्कुल से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे करके हमने इस रूम का जुगाड़ किया, मैं यहाँ पर हूँ, और अपने पास जो बंदा आया था दोस्त अपना, वो है दूसरे रूम पर, अपने रूम में रेस्ट कर रहा है। बाकी आपको ये अपडेट देना था कि यार इलेक्शन के टाइम में ना बिल्कुल भी आप रूम एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रखना, ना होम स्टे मिलता है, ना रिजॉर्ट मिलता है, ना रूम मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता यार। अगर आपके पास कैंपिंग टेंट है तो बस उसी से आपका गुजारा हो सकता है, वरना भाई दूसरा कोई उपाय नहीं है। आज का राइड हमने देख ही लिया, बहुत ही स्मूथ ही था, मतलब तो दिखाने लायक ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल रास्ते से हम आए थे, 160-170 किलोमीटर का टोटल राइड अपना था, अच्छे से किया, बहुत ही सही तरीके से अपना राइड किया। बाकी कल निकल रहे सुबह 5 बजे यहाँ से, एकदम अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल रहे हैं, 2 से 3 बजे तक हमें जैसे भी मैं चुका पहुंचना है, उसके बाद रेस्ट करके नेक्स्ट दिन हम घूमेंगे मेचुका के जितने भी नियर बाय प्लेसेस हैं, उसके बाद उसके नेक्स्ट दिन हम जाएंगे लामा पास। सोच तो रहे बट अब देखते हैं भाई कहाँ कहाँ तक क्या क्या कर सकते हैं। तो बस आज का ये जो दिन है, Day 1 Episode 1 जो भी कहो, ये एंड यहीं पर हो रहा है। मिलूंगा मैं आपसे कल दूसरे एपिसोड पर, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने चारों साफ सफाई रखो, अपना ख्याल जरूर रखना। मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया गाइस, ऐसा फेस में देखा पता नहीं चलता, बट मैं सच में बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब कल चैलेंजिंग वाले व्लॉग में, तब तक के लिए भाई पूरा रेस्ट वेस्ट करते हैं, खुद को मतलब मजबूत करते हैं, और मिलते हैं आपसे कल यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में।